गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित शर्मा, आई एम योर मैथ्स टीचर इन रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल. वी हैव टू स्टडी इन सेप्टेम्बर लास्ट एंड कंटिन्यू टू स्टडी फ्रॉम 4 नवंबर 2020. माई सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, क्लास 6th मैथ्स रीड इन एक्सरसाइज 3.4. ओके, देन वी लर्न एक्सरसाइज 3.4. 3.4 इन वन क्वेश्चन इज Verify the property A into B is equals to B into B. What is property? This is property or closure property. बच्चों, इस property को हम closure property कहते हैं. Closure property हमारी addition में रहती है, subtraction में रहती है and multiplication में रहती है. Clear it is. So हमें verify करना है इस property को A into B is equals to B into A. A और B की value वो हमें question में दे रहा है, उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके हमें वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं. अगर LHS एंड RHS इक्वल हैं, यानी कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पर यूज़ हो रही है. अगर LHS और RHS इक्वल टू नहीं आते, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हमारे इक्वल नहीं आते हैं, तो हमारी वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी. क्लियर इट इज. नाउ वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट का ए पार्ट, देन -9, 6. हेयर ए इक्वल टू -9, बी इक्वल टू 6. नाउ प्रॉपर्टी इज ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. -9 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू -9. प्लस माइनस, -9 6 का कितना होता है 54 इज इक्वल टू 54. यानी LHS इक्वल टू है RHS के, यानी कि हमारी यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है. एक इसका क्वेश्चन और ले लेते हैं, -11, -14. फर्स्ट फोर पार्ट, -11, -14. हेयर ए इक्वल टू -11, बी इक्वल टू -14. सो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए. -11 इंटू -14 इज इक्वल टू -14 इंटू -11. माइनस माइनस बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस. 14 बन जा 14, कैरी 1, 14 बन जा 14 एंड 1 15, सेम एज 154. LHS इक्वल टू RHS, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड. क्लियर इट इज. बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की. अब इसके टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. ये आपका होमवर्क होगा इसमें. क्लियर इट इज. सो इनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को आप करके देखें. अगर कोई डाउट आए तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मैसेज के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं. बात करते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन इज वेरीफाई द प्रॉपर्टी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. वॉट प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी को हम बेटा बोलते हैं कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में होती है. यहाँ हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट. इन तीनों को हमको ये मल्टीप्लाई करके देखना है कि ब्रैकेट मल्टीप्लाई इससे इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है. अगर होता है तो हमारी यहाँ पर कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी लगती है, अगर नहीं आता है हमारी कॉम्यूलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. तो वेरीफाई का मतलब हमें यही चेक करना है. हम इसका भी फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसका सेकंड का ए पार्ट. -8, 9 एंड 11. -8, 9, 11. यहाँ हमारा ए क्या है? -8. बी क्या है? 9. देन सी क्या होगा? 11. सो प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी.
ए होगा हमारा माइनस एट नाइन इंटू इलेवन, यहाँ होगा माइनस एट इंटू नाइन इंटू इलेवन। माइनस एट एज इट इज, सबसे पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, इलेवन नाइन जा नाइन्टी नाइन, नाइन एट जा माइनस सेवेंटी टू इंटू इलेवन, ये कितना हो गया हमारा सेवन नाइन्टी टू, ये भी हमारा कितना होगा सेवन नाइन्टी टू, यानी एल एच एस इक्वल टू हो रहा है आर एच एस के, यानी हमारी यहाँ कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉर्म है, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होती है। इफ एनी डाउट देन प्लीज कॉल ऑन मैसेज, क्लियर इट इज इन दिस ग्रुप। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आएगा, बस मल्टीप्लाई करते समय हमें स्पेशली ध्यान रखना है प्लस और माइनस का। हम इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसका भी हम फोर्थ पार्ट होमवर्क में लेंगे, 13 माइनस 14 एंड 6, सेकंड का डी, 13 माइनस 14 6 है यार। यहाँ हमारा ए क्या होगा बच्चा 13, बी होगा माइनस 14, सी होगा 6। नाउ प्रॉपर्टी इन यूज, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, एक ही जगह हम पुट करेंगे 13, बी होगा माइनस 14, सी होगा 6, ये होगा 13 इंटू 14 इंटू का माइनस 14 इंटू का 6। देन 13 एज इट इज, सबसे पहले हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, 14 6 जा 84 माइनस 84, देन यहाँ करेंगे 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 1 जा 13 और 5 माइनस 82 इंटू का 6। अब 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 4 जा 52 कैरी इज 5, 13 8 जा 104 एंड 5 109, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी क्या आएगा 1092, यानी कि एल एच एस इक्वल टू होगा आर एच एस के, जिसका मतलब है कि हमारी यहाँ वेरीफाई हो रही है प्रॉपर्टी, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इसका भी जो बी और सी पार्ट है आपका सेकंड का, बी पार्ट एंड सी पार्ट, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इनको आप करके देखिएगा, इसी टाइप से करना है। अगर किसी तरह का दिक्कत आती है आपको तो आप ग्रुप में या पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर इट इज़। बात करते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए इंटू बी प्लस सी इज इक्व टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसको भी देखते हैं, इसको भी हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए इंटू बी प्लस सी इज इक्व टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर एक नंबर मल्टीप्लाई में बाहर हो, दो नंबर एडिशन में ब्रैकेट के अंदर है, तो उसका फर्स्ट में भी मल्टीप्लाई होगा, देन लास्ट में भी मल्टीप्लाई होगा, ए का मल्टीप्लाई बी में, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में, बीच का प्लस एज इट इज़। मतलब बाहर, अगर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं, उन सभी नंबर्स में उनका मल्टीप्लाई होता है, क्लियर इट इज़। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, 9 माइनस 11 एंड 8, बात कर रहे हैं थर्ड के फर्स्ट की, 9 माइनस 11 एंड 8, ए इक्वल टू या हमारा 9 है, बी इक्वल टू माइनस 11 है, सी इक्वल टू 8 है। सो नाउ प्रॉपर्टी इन यूज, 9 इंटू माइनस 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 इंटू माइनस 11 प्लस 9 इंटू 8। सो
9 एज इट इज़ माइनस 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका माइनस का 3। यहाँ ये माइनस 99 हो गया प्लस 9 एट जा 72 हो गया। 9 3 जा माइनस 27, देन इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस 27। माइनस 27 क्यों आया, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है साइन भी उसी का आता है। अगर प्लस का नंबर बड़ा होता तो प्लस का साइन आता, या माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए काय का साइन आया माइनस का। अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो यहाँ हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर्म होती है। क्लियर है, एक पार्ट इसका और करके देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट, माइनस 16 14 एंड माइनस 8। माइनस 16 डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, 14 माइनस 16 14 एंड माइनस 8। हेयर यहाँ ए क्या होगा आपका माइनस 16, बी क्या होगा 14 एंड सी क्या होगा 8। नाउ हम यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी क्या होती है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में, एनीथिंग एल्स, जिस भी तरीके से जो भी नंबर होंगे उस नंबर का उन सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई होता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हेयर एक ही जगह हमने रखा माइनस 16, बी रखा 14, सी रखा माइनस 8, देन ए रखा माइनस 16 इंटू बी 14 प्लस माइनस 16 इंटू माइनस 8। सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को। अब सेकंड दिक्कत आपको कहाँ आती है, जब दो साइन एक साथ आ जाएं तो पहले उन साइंस का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। जब एक साइन ब्रैकेट के बाहर हो और एक साइन ब्रैकेट के अंदर हो तो उन दोनों का होता है मल्टीप्लाई। प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस। देन 16 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 फोर जा 64, कैरी इज 6, 16 मध्य 16 एंड 6 22। प्लस माइनस माइनस बेटा यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई में, प्लस 16 8 जा कितना होता है 128। देन फिर 14 में से 8 को माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 6। यहाँ 224 में से 128 माइनस करोगे तो आपका माइनस का 96 आएगा। अब ये माइनस का 96 कैसे आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है साइन भी उसी का आता है। यहाँ इन दोनों में से बड़ा नंबर है 224 का साइन क्या है माइनस, इसलिए जो आंसर आएगा वो भी काय में आएगा माइनस में। 14 में से आपने 6 को माइनस 8 को माइनस किया था, कितना आया था 6। 6 काय का आया प्लस का, क्यों आया, क्योंकि 14 बेटा काय का था प्लस का। जो बड़ा नंबर होता है आंसर भी साइन उसी का होता है। 16 6 जा भी कितना होगा माइनस 96। यानी जब LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं तो हमारी एसोसिएटिविटी यहाँ फॉर्म हो रही है, यानी कि हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट एंड सी पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इनको करके देखें। इसी तरीके से करना है, किसी तरह की दिक्कत आती है आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं या बाय कॉल आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर इट इज। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन इज 4 मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल सी चीज़ें मल्टीप्लाई हम बहुत छोटी सी क्लास से करते आ रहे हैं। यहाँ हमने अब आज हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ को फाउंड कर लिया है, एसोसिएटिव, कॉम्युलेटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी।